इलेक्शन एक बड़ा इवेंट था और इलेक्शन आया और चला गया, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन इस इलेक्शन से एक बात क्लियर है, गवर्नमेंट चाहे जो बने, पब्लिक को काम चाहिए। पब्लिक जो है काम के बेसिस पे वोट करेगी, ना कि किसी रिलीजन के बेसिस पे या किसी अन्य जो है मैटर पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेस्ट स्टॉक टू बाई बिफोर बजट 24। तो बजट 22 और 23 जुलाई को होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने आपके लिए 5 बेस्ट स्टॉक चुने हैं और ये एलोकेशन के बेसिस पे है। जैसे गवर्नमेंट का एलोकेशन होता है उसी हिसाब से मैंने स्टॉक चुने हैं। एलोकेशन के बेसिस पे मैंने कुछ अच्छे स्टॉक चुने हैं। जो पहला स्टॉक है मेरा वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से IRB इंफ्रा। IRB इंफ्रा की बात करें तो यह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में है और टोल कलेक्शन में भी है। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। अभी जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, IRB इंफ्रा का शेयर प्राइस 65.48 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और इसका 1 वीक का रिटर्न 0.92% है और इसके 1 मंथ का रिटर्न -10.67% है और IRB इंफ्रा का 1 ईयर का रिटर्न 139.67% है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप इस समय 39,646 करोड़ है। पी रेशियो इसका 65.65 है और इंडस्ट्री का पी 35.91 है। वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो इसका पी रेशियो ज़्यादा है, तो यह स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है और डेट टू इक्विटी 1.36 है, जो कि हाई है। ROE की बात करें तो ROE कम है, 4.41। EPS की बात करें तो EPS 1 रुपीज़ है और कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। अब हम चेक कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 47.22% है, प्रमोटर्स की 34.39% है, जो कि कम है। रिटेल्स की 10.60% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 4.07% है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से बात करें तो यह स्टॉक अभी इस समय ओवर वैल्यूड है, लेकिन बजट में इस स्टॉक से रिलेटेड अच्छा न्यूज़ आएगा और इसे आप होल्ड कीजिए 2 से 3 सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में। और दूसरा जो सेक्टर मैंने चुना है वह है डिफेंस सेक्टर। लास्ट टाइम बजट में जो डिफेंस सेक्टर का एलोकेशन था वो था 6.1 लाख करोड़ रुपये। इस बार जो मैंने डिफेंस सेक्टर से स्टॉक चुना है वो है मझगांव डॉक। वो नॉर्थन कंपनी में आ गया है, तो नॉर्थन कंपनी में आने के भी एक अलग से इसको बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इसके में हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम मझगांव डॉक सी बिल्डर का शेयर प्राइस 4,105 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 वीक में मझगांव डॉक ने 3.49% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 30% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 223% का रिटर्न दिया है। अब हम मझगांव डॉक्स के फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम इसका मार्केट कैप 82,310 करोड़ है। इसका पी रेशियो 42.49 है और इंडस्ट्री का पी रेशियो 41.59 है। अगर वैल्यूएशन की बात किया जाए तो यह स्टॉक अभी फेयरली वैल्यूड है और डेट टू इक्विटी 0.00 है, मतलब यह कंपनी डेट फ्री है। ROE बहुत अच्छा है, 31.02। EPS की बात करें तो 96, जो कि बहुत अच्छा है, और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 84.83% है, रिटेल्स की 12.12% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 2.38 है। अभी डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डिफेंस का एक्सपोर्ट मोर देन 50,000 करोड़ करेंगे, तो इस हिसाब से इस स्टॉक में अभी बहुत सारा स्कोप बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और तीसरा सेक्टर मैंने चुना है वो है रेलवे सेक्टर, और रेलवे सेक्टर में जो मुझे पसंद आता है वो है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके बाद वंदे भारत का कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे में वंदे भारत का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1 साल में स्टार्ट हो जाएगा, तो ये टीटागढ़ रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इसका फंडामेंटल्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इसका फंडामेंटल्स हम पहले चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं पहले स्क्रीन पे, इसका फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं।
टीटागढ़ रेल सिस्टम का शेयर प्राइस अभी 1,832 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और इसका वन वीक का रिटर्न 23.80 है और इसके वन मंथ का रिटर्न 46.15 है और इसके वन ईयर का रिटर्न 273.88% है। इसका फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 23,796 करोड़ है, इसका पी रेशियो 83.15 है और इंडस्ट्री का पी रेशियो 62.10 है। पी रेशियो के लिहाज से यह स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है और इसकी डेट टू इक्विटी बहुत कम है 0.07, आरओई 12.83 है जो कि अच्छा है, ईपीएस 21.25 है और कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 42.46% है, रिटेल की 26.55 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 17.27 है, म्यूचुअल फंड की 10.83 है। और इस बजट में जो गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर से होगा बहुत अच्छा होगा और एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट को फोकस करने की भी ज़रूरत है और वह किसानों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ लेके आएगी। तो मुझे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से फर्टिलाइज़र में मुझे चंबल फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा स्टॉक है। चंबल फर्टिलाइज़र का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है और चंबल फर्टिलाइज़र में आने वाले 1-2 साल में इसमें पैसा डबल होने का भी चांस है। तो हम सबसे पहले इस स्टॉक का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल का स्टॉक प्राइस अभी 505 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, इसका वन वीक का रिटर्न 7.74% है, इसके वन वीक का रिटर्न 7.74% है और इसके वन मंथ का रिटर्न 22.93% है और पिछले एक साल में इसने 84.56% का रिटर्न दिया है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप अभी 20,854 करोड़ है, पी रेशियो 16.35 है और इंडस्ट्री का पी रेशियो 35.95 है जो कि अभी अंडर वैल्यूड है। तो इस स्टॉक को ख़रीदा जा सकता है इस लेवल पे। डेट टू इक्विटी 0.26 है जो कि अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है 17.54 और ईपीएस 31.84 है और कंपनी की फेस वैल्यू 10 है। और पांचवा स्टॉक जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी जो है वो भी होम कंस्ट्रक्शन में है। एनबीसीसी अभी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है और सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। एनबीसीसी का प्राइस अभी 160 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और एनबीसीसी का वन वीक का रिटर्न 0.37% है जो कि निगेटिव है और एनबीसीसी का वन मंथ का रिटर्न 10.50% है और इसके वन ईयर का रिटर्न 303.81% है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप अभी 28,440 करोड़ है, का पी रेशियो 70.85 है और इंडस्ट्री का पी रेशियो 35.91 है। पी रेशियो कुछ ज़्यादा ही है और यह स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है और कंपनी डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी 0.00 है, आरओई बहुत अच्छा है 24.16, ईपीएस अभी है इसका 2.23 और कंपनी की फेस वैल्यू है 1। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.75% है, रिटेल की 23.97% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 6.96% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 4.33% है। इसमें जितने मैंने स्टॉक बताए हैं सारे स्टॉक बहुत अच्छे स्टॉक हैं और जो भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है उस स्टॉक में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कीजिए, आप उस स्टॉक में SIP कीजिए और जो स्टॉक अंडर वैल्यूड हैं जैसे कि चंबल फर्टिलाइज़र उसमें आप लमसम इकट्ठा पैसा लगा सकते हैं और हमेशा आप अपना रिसर्च कीजिए। तो यह थे 5 ऐसे स्टॉक जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। एज अ डिस्क्लेमर, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।